स्टूडेंट्स, आज मैं चेन्नई डिवीजन के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए जेई सी एन डब्ल्यू के पेपर्स के सॉल्यूशन देखेंगे। इसलिए वीडियो के लास्ट तक बने रहे एवं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखेंगे कि यह पेपर साउदर्न रेलवे के अंतर्गत जो चेन्नई डिवीजन आते हैं वहाँ पर यह पेपर जूनियर इंजीनियर पोस्ट के लिए कंडक्ट करवाए गए थे, जो कि सी एन डब्ल्यू मैकेनिकल डिपार्टमेंट के अंतर्गत आते हैं। अगर बात करें एग्ज़ाम की तो यह एग्ज़ाम 25% प्रमोशनल कोटा के अंतर्गत कंडक्ट करवाए गए थे। एग्ज़ाम डेट की बात करें तो अभी हाल ही में 28 जून 2023 को ये पेपर कंडक्ट करवाए गए थे, जिसमें अगर बात करें तो कैंडिडेट को पूरे 110 प्रश्न पूछे गए थे, जिसमें कैंडिडेट को केवल और केवल 100 प्रश्न का जवाब देना था, जिसके लिए बात करें तो मैक्सिमम मार्क्स 100 रखे गए थे। साथ ही साथ इस पेपर को अटेम्प्ट करने के लिए कैंडिडेट को पूरे दो घंटे का समय दिया गया था। आगे चलिए देखते हैं कि इस पेपर के अंतर्गत कौन कौन से प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले प्रश्न की अगर बात करें तो पूछे गए यहाँ पर टू अवॉइड टिल्टिंग वाइल कर्व नेगोशिएशन एलएचबी कोच आर फिटेड विथ, यहाँ पर बोला जा रहा है कि कर्व नेगोशिएशन पर टिल्टिंग यानी झुकाव को रोकने के लिए अवॉइड करने के लिए एलएचबी कोचेज में फिट किसके साथ फिट होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें जब भी कर्व पर अगर टिल्ट या झुकाव ना हो तो उसके लिए यहाँ पर एंटी रोल बार की व्यवस्था की हुई होती है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए यहाँ सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर द टॉर्क वैल्यू टू बी अप्लाइड फॉर द एक्सल एंड कवर बोल्ट इज डैश न्यूटन मीटर, यहाँ पर बोला गया है कि जो एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो एक्सल कवर इंड कवर बोल्ट होता है उसको जब टाइट करने के लिए जो हमें टॉर्क वैल्यू की रिक्वायरमेंट होता है वो कितना होता है। तो इसका सही उत्तर की अगर बात करें तो 170 न्यूटन मीटर की रिक्वायरमेंट होता है उस बोल्ट को टाइट करने के लिए। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, 170 न्यूटन मीटर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ब्रेक एक्सलेटर इज कनेक्टेड टू, यानी ब्रेक एक्सलेटर किसके साथ कनेक्ट होता है। तो ब्रेक एक्सलेटर जो होता है वह एक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस है जो कि ब्रेक पाइप से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, बीपी पाइप से कनेक्ट होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं विच टाइप ऑफ सीबीसी इज फिटेड इन एलएचबी कोचेज, यहाँ पर बोला गया कि एलएचबी कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के सीबीसी फिट होते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें एलएचबी कोच के अंतर्गत तो एच टाइप सीबीसी का प्रयोग किया जाता है, यानी टाइट सेंटर बफर कपलर का प्रयोग किया जाता है जो कि एंटी क्लाइंबिंग फीचर के साथ आता है। यानी जब भी कोई दुर्घटना वगैरह अगर हो तो उस दौरान एलएचबी कोचेज के जो डब्बे होते हैं वो एक दूसरे के ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं एच टाइप सीबीसी कपलर की वजह से। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें यहाँ पर कि जो वर्तमान में वैगन में प्रयोग किए जा रहे जो सीबीसी के टाइप्स हैं वह ई टाइप सीबीसी का प्रयोग किए जाते हैं, जबकि अगर बात करें हम वंदे भारत की तो वंदे भारत के अंतर्गत सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है, जिसकी खासियत है कि वह जर्क फ्री होता है और साथ ही साथ उसमें अगर बात करें तो जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन होता है वह बीच बीच में मोटर कोच के माध्यम से पावर डिस्ट्रीब्यूट हो गए होते हैं, तो इस पर ज़्यादा जर्क नहीं आते हैं, इसलिए वंदे भारत के अंतर्गत सेमी परमानेंट कपलर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें अगर तो विच टाइप ऑफ स्लैक एग्जिस्टर इज यूज इन BMBS इन वैगन्स, यानी वैगन के अंतर्गत किस प्रकार के स्लैक एग्जिस्टर का प्रयोग BMBS में किया जाता है। तो जो वैगन में अगर बात करें BMBS जो कि नॉर और स्कॉट का मेनली सिलेंडर दो सिलेंडर पर वैगन में यूज किए जाते हैं, BMBS के अंतर्गत, तो यहाँ पर बोला जाएगा कि जो स्लैक एग्जिस्टर होता है BMBS वाले जो ब्रेक सिलेंडर की वो किस प्रकार की होती है, तो वह डबल एक्टिंग होते हैं,
यानी ऑटोमेटिक वो एडजस्ट कर लेते हैं गैप जो होता है व्हील ट्रेड और विदेश ब्लॉक के बीच के। तो यहाँ पर ऑप्शन जो आएगा वो ऑप्शन नंबर बी डबल एक्टिंग इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो इन कोचिंग ट्रेन्स ऑक्सिलरी रिजर्वायर इज चार्ज टू, यानी कोचिंग ट्रेनों के अंतर्गत जो AR यानी सहायक रिजर्वायर जो होते हैं वो कितने KG के प्रेशर से चार्ज होते हैं। तो कोचिंग के अंतर्गत बात करें अगर ऑक्सिलरी रिजर्वायर की AR टैंक की तो वह 6 KG पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रेशर से चार्ज होते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर इन ऑर्डर टू अवॉइड जर्क इन CVC डैश ड्राफ्ट गियर आर प्रोवाइडेड, यहाँ पर बोला जा रहा है कि CVC में जर्क से बचने के लिए किस प्रकार के ड्राफ्ट गियर्स प्रोवाइड किए जाते हैं। तो इसमें बैलेंस जो ड्राफ्ट गियर्स होते हैं उसका प्रयोग किया जाता है ताकि जो जर्क से बचा जा सके। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी बैलेंस्ड इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो हाउ मच वाइल इज रिक्वायर्ड फॉर वन साइड विरर्स वाइल वाथ, यानी कितने मात्रा में वाइल की रिक्वायरमेंट होगा वन साइड वियर्स को बात करने के लिए। तो यहाँ पर अगर बात करें हम जो हमारे ट्रांजम के दोनों साइड में इस तरह से हमारा साइड वियर रहते हैं जिसमें हमारा सबसे पहले हाउजिंग के अंतर्गत हमारा बियरिंग प्लेट जिसका डायमेंशन 10 mm होता है और जब कंडम 8.5 mm पर होता है तो उसको हम कंडम कर देते हैं। तो उस प्लेट को सबसे पहले रखा जाता है, फिर उसके बाद अर्धगोलीय यानी सेमी सर्किल वाले जो बियरिंग पीस होते हैं तो उसको रखा जाता है जिसकी अगर डायमेंशन की अगर बात करें तो 45 mm होते हैं और कंडमिंग लिमिट की अगर बात करें तो 42 mm होते हैं। ये दोनों को रखकर इसमें वॉयल की फिलिंग की जाती है जिसकी अगर बात करें अमाउंट की तो 2 liters पर साइड वियर का इसमें बात किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी 2 liters प्रयोग किए जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द बैक्टीरिया यूज्ड इन इंडियन रेलवे DRDO बायो टॉयलेट्स, यानी बायो टॉयलेट जो DRDO के जो उसके अंतर्गत जो बैक्टीरिया प्रयोग किए जाते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो वो उसके अंतर्गत अगर बात करें तो एनरोबिक बैक्टीरिया का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो स्टैंडर्ड गेज व्हील गेज इज डैश, यानी स्टैंडर्ड जो व्हील गेज होते हैं वो कौन कितने mm के होते हैं। तो यहाँ पर बात करिए तो जैसे ही अगर स्टैंडर्ड लगा दिया जाए तो उसकी हम मिडिल जो लिमिट्स होते हैं उसको लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी 1600 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऐसे अगर बात करें व्हील गेज की तो व्हील गेज नॉर्मली 1600 + 2 - 1 mm होता है। अगर आपसे एग्जाम के अंतर्गत मिनिमम पूछा जाए तो 1599 और अगर मैक्सिमम पूछा जाता है 1602 mm दे उत्तर इसका। लेकिन अगर स्टैंडर्ड आपसे पूछा जाता है तो इसकी बेस यूनिट होता है 1600 mm, यही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो प्रेशर ग्रेडियंट अलाउड इन एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन बिटवीन लोको एंड ब्रेक वन इज, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो एयर ब्रेक कोचिंग ट्रेन के अंतर्गत जो प्रेशर का जो गिरावट होता है ग्रेडियंट अलाउड होते हैं लोकोमोटिव और जो ब्रेक वान के बीच वो कितना मैक्सिमम अलाउ होते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं कोचेज के अंतर्गत ब्रेक पाइप के अंतर्गत हमारा 5 kg का प्रेशर होता है लोको के अंतर्गत, जबकि यही ब्रेक वान में जाकर या मिनिमम 4.8 kg का प्रेशर होना चाहिए। वहीं अगर बात करें हम FP की तो FP 6 kg का प्रेशर लोको के अंतर्गत होता है और ब्रेक वान के अंतर्गत 5.8 मिनिमम होना चाहिए। तो इसमें जो ग्रेडियंट होता है यानी जो लीकेज अलाउड होते हैं ब्रेक वान और लोको के बीच वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर का होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर
सी इसका सही उत्तर हो जाएगा 0.2 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, पीरियडिसिटी ऑफ पीओएच फोर ऑफ आईसीएफ कोचेज, यानी आईसीएफ कोचेज के लिए जो पीरियोडिक ओवरहॉलिंग की जो आवधिकता होती है वो कितना होता है। तो जो उसकी आवधिकता की अगर बात करें तो 18 मंथ के अंतराल पर इसकी पीओएच की जाती है आईसीएफ कोचेज की। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि अगर आपसे आईसीएफ कोचेज की आईओएच पूछ लिया जाए एग्जाम के अंतर्गत तो इसका उत्तर आप 9 मंथ दे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम बफर प्लंजर स्ट्रोक इन एमएम, यहाँ पर अधिकतम बफर प्लंजर स्ट्रोक कितना होता है वो यहाँ पर पूछे गए हैं। तो मैक्सिमम प्लंजर स्ट्रोक की अगर बात करें यहाँ पर तो वह 127 mm होता है। तो यहाँ पर उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम जो बफर लगे होते हैं उसकी अगर बात करें डाया की, जो हमारा एंड पर बफर लगा होता है उसकी डाया, फेस डाया की, तो फेस डाया 457 mm का होता है। इसके अलावा अगर बात करें तो जो यह बना होता है वह कास्ट स्टील का बना होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो दो एक एंड पर जो कोचेज के अंतर्गत जो आईसीएफ कोचेज होते हैं वहाँ पर दो बफर लगे होते हैं वन साइड पर, वन एंड पर, तो वहाँ पर बोला गया है वहाँ पर जो दो बफर्स के बीच जो डिस्टेंस होता है वह 1956 mm होता है। इसके अलावा अगर बात करें हम जो स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन जो होता है उसकी जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड बफर प्रोजेक्शन की जो मैक्सिमम अगर स्ट्रोक की अगर बात करें तो वह 635 mm, और वहीं अगर आपसे मिनिमम पूछा जाता है तो मिनिमम 584 mm होता है। ये सारे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाए गए हैं जिससे एग्ज़ाम के अंतर्गत डायरेक्ट बेसिस पर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसको आप ध्यान रखें। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो मैक्सिमम एक्स्ट्रा लोड बियरिंग कैपेसिटी ऑफ नॉन एसी आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज, यहाँ पर बोला गया कि जो नॉन आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज होते हैं उसकी अधिकतम एक्स्ट्रा लोड बियरिंग कैपेसिटी कितना होता है। तो नॉन एसी के कोच के कंडीशंस में जो आईसीएफ और आरसीएफ कोचेज की जो अधिकतम एक्स्ट्रा लोड कैपेसिटी होता है वह 13 टन होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके अलावा अगर बात करें अगर एसी कोचेज के लिए अगर आपसे पूछा जाता तो एसी कोचेज के केस में यह 16.25 टन का होता है इसकी मैक्सिमम एक्स्ट्रा लोड बियरिंग कैपेसिटी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस ऑफ अदर देन सुपर फास्ट आईसीएफ ब्रॉड गेज फील इज, यहाँ पर बोला गया है कि जो सुपर फास्ट जो कोचेज होते हैं ट्रेंस होते हैं आईसीएफ कोचेज की, उसकी अलावा जो हमारा नॉर्मल कोचेज के अंतर्गत जो चक्के प्रयोग किए जाते हैं उसकी कंडमिंग फ्लेंज थिकनेस कितने पर करते हैं हम कंडम सर्विस से। तो नॉर्मली अगर बात करें तो आईसीएफ कोचेज की जो फ्लेंज थिकनेस होता है हमारा वो 28.50 mm होता है, जबकि अगर बात करें सुपर फास्ट ट्रेन तक हम इसको 22 mm तक हम अलाउ करते हैं। 22 mm से अगर बियॉन्ड होता है तो हम इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं फॉर हाई स्पीड ट्रेन्स। नॉर्मली अगर बात करें नॉर्मली ट्रेन्स के लिए तो नॉर्मली ट्रेन्स के लिए हम 16 mm तक अलाउ करते हैं, लेकिन यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कोई में ऑप्शंस में भी 16 mm मार्क नहीं किया गया है, तो यहाँ पर सारे ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो परमिसिबल मैक्सिमम फ्लैट सरफेस ऑन ट्रेड इन ब्रॉड गेज वैगन इज, यानी ब्रॉड गेज वैगन्स के जो ट्रेड्स होते हैं व्हील चक्के का ट्रेड्स उस पर मैक्सिमम फ्लैट सरफेस कितना अलाउ करते हैं मालगाड़ियों के अंतर्गत। तो मालगाड़ियों के लिए अगर बात करें यहाँ पर तो मैक्सिमम फ्लैट सरफेस जो होते हैं वह 60 mm तक हम अलाउ करते हैं मैक्सिमम स्तर पर। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें हम लोकोमोटिव्स,
और कोचेज के अंतर्गत मैक्सिमम फ्लैट सरफेस जो अलाउ करते हैं वो 50 mm तक मैक्सिमम अलाउ करते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो पिस्टन स्ट्रोक ऑफ बॉक्स एंड बैगन इन एम्प्टी कंडीशन इज, यानी एम्प्टी कंडीशंस में बॉक्स एंड बैगन की जो पिस्टन स्ट्रोक होते हैं वो कितना होता है। तो मैक्सिमम अगर बात करें हम एम्प्टी कंडीशन में जो इसके पिस्टन स्ट्रोक होते हैं बॉक्स एंड बैगन की, वो 85 प्लस माइनस 10 mm होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर आपसे लोडेड कंडीशन में पूछा जाए बॉक्स एंड बैगन के केस में, तो 130 प्लस माइनस 10 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो D1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स, यानी डिपो 1 मेंटेनेंस शेड्यूल्स ICF कोचेज का कितने अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें हम डिपो 1 शेड्यूल्स की LHB कोचेज के लिए, तो वह प्रत्येक ट्रिप पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द रेट ऑफ एयर लीकेज इन सिंगल कार टेस्टिंग इन कोचिंग ट्रेन्स कोचिंग स्टॉक्स शुड नॉट बी मोर देन। यहाँ पर बोला गया कि जो हम कोचिंग ट्रेन्स का SCTR यानी सिंगल कार टेस्टिंग के माध्यम से हम इसकी जब टेस्टिंग करते हैं IOH या POH के अंतर्गत, तो वहाँ पर जब हम इसकी लीकेज अलाउ करते हैं, लीकेज रेट देखते हैं, तो कितना कोचिंग ट्रेन के अंतर से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो जो लीकेज रेट होता है वह 0.2 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो रिडक्शन इन BP प्रेशर फॉर मिनिमम एप्लीकेशन, यानी जो BP प्रेशर में जो रिडक्शन करते हैं मिनिमम एप्लीकेशन के लिए, वो कितने kg का प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर अगर बात करें मिनिमम रिडक्शन के अंतर्गत, तो इसमें हम 0.5 से लेकर 0.8 kg तक का प्रेशर हम ब्रेक पाइप से ड्रॉप करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सर्विस एप्लीकेशन के लिए हम 0.8 से लेकर 1 kg तक का प्रेशर हम गिराते ड्रॉप करते हैं। वहीं फुल सर्विस एप्लीकेशन के लिए हम 1 से लेकर 1.5 kg तक का प्रेशर ड्रॉप करते हैं। वहीं इमरजेंसी एप्लीकेशन के लिए अगर बात करें तो एबव 1.5 kg तक का प्रेशर हम ड्रॉप करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ड्यूरिंग C3W या KE टाइप, यहाँ पर EK नहीं होगा, KE टाइप कर लीजिए इसको। ड्यूरिंग C3W और KE टाइप DB टेस्टिंग यूजिंग SCTR, व्हाट इज द ब्रेक सिलेंडर रिलीजिंग टाइम फ्रॉम 3.8 टू 3.8 प्लस माइनस 1 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर टू 0.4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर ड्यूरिंग रिलीजिंग थ्रू A9 वाल्व। यानी जब भी हम C3W और टाइप या KE टाइप DB की टेस्टिंग करते हैं, तो A9 वाल्व से हम रिलीज करते हैं जिस दौरान हमारा प्रेशर 3.6 से 0.4 तक आता है। तो ब्रेक सिलेंडर जब रिलीज होते हैं तो उसमें रिलीजिंग टाइम में कितना समय लगता है जब हम SCTR की मदद से करते हैं। तो अगर कोचिंग की अगर यहाँ पर बोला गया है SCTR की मदद से, तो यहाँ पर हम रिलीजिंग टाइम कोचिज के अंतर्गत 15 से 20 सेकंड का समय लगेगा 3.6 से 0.4 kg तक आने में। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, हैंडल ऑफ कटअप एंगल कॉक इन ओपन पोजीशन इज, यहाँ पर बोला गया जो कटअप एंगल कॉक की हैंडल होती है वो ओपन कंडीशन में कौन से पोजीशन में होता है। तो जब भी अगर बात करें हम कटअप एंगल कॉक की, तो कटअप एंगल कॉक इस तरह से होता है, यहाँ पर हमारा हैंडल लगा होता है। जब भी हमारा वर्किंग कंडीशन में होगा तो हमारा पैरेलल टू पाइप होगा वर्किंग कंडीशंस में, यानी ओपन कंडीशंस के केस में। जब भी वह आइसोलेट होगा
तो इस तरह से हमारा परपेंडिकुलर होगा, उस कंडीशन में हमारा क्लोज स्थिति को आइडेंटिफाई करेगा। तो यहाँ पर जो उत्तर है हमारा निकल कर आएगा ओपन कंडीशन के लिए वो पैरेलल टू पाइप इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द एम आर प्रेशर ऑफ इंजन शुड बी, यानी इंजन का जो एम आर मेन रिजर्वायर होते हैं उसका कितना केजी का प्रेशर होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत बात करें मेन रिजर्वायर के अंतर्गत, इंजन के अंतर्गत 8 to 10 केजी का प्रेशर एम आर के अंतर्गत होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो द फुल फॉर्म ऑफ ए सी पी इज, यानी ए सी पी का फुल फॉर्म होगा अलार्म चैन पुलिंग, यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें द कलर ऑफ फीड पाइप इन ट्विन पाइप वैगन इज, यानी ट्विन पाइप मालगाड़ियों में जो फीड पाइप लगे होते हैं उसका कलर कौन सा होगा। तो यहाँ पर कलर की अगर बात करें यहाँ पर फीड पाइप के लिए, तो ट्विन पाइप के केस में, तो ट्विन पाइप के केस में हमारा फीड पाइप और यहाँ पर बीपी पाइप दोनों को एक साथ देखेंगे तो फीड पाइप के लिए यहाँ पर हमारा वाइट कलर की पाइप का यूज किया जाता है, जबकि बीपी पाइप के लिए हमारा ग्रीन कलर का पाइप यूज किए जाते हैं कलर कोड। जबकि अगर बात करें एफपी के लिए 6 केजी का प्रेशर होता है और बीपी के लिए 5 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर का प्रेशर होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा एफपी पाइप के लिए वो वाइट कलर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं कंटेनर्स आर ट्रांसपोर्टेड, और यानी जो वैगन पर हमारा जो कंटेनर ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं वो किसके मदद से किए जाते हैं, तो वो बीएलसी वैगन पर इसका ट्रांसपोर्टेशन किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, जबकि हमारा बीटीपीएन वैगन का प्रयोग वाइल यानी पेट्रोल डीजल को ट्रांसमिट करने के लिए, ट्रांसपोर्ट करने के लिए किया जाता है, जबकि बॉक्सन वैगन हमारा ओपन वैगन है जिसका प्रयोग हमारा कोयला वगैरह को कैरी करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें बोवारन वैगन की, तो बोवारन का भी प्रयोग कोयला को ट्रांसमिट करने या जो हमारा कंक्रीट वगैरह होता है जो डिपार्टमेंटल के लिए, उसके लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं द गैप बिटवीन ब्रेक ब्लॉक एंड व्हील ट्रेड ऑफ ICF टू बी मेंटेन इज, यानी जो यहाँ पर बात की जा रही है कि ICF कोचेज में जो ब्रेक ब्लॉक और व्हील ट्रेड के बीच जो गैप होते हैं वो कितने mm पर मेंटेन किया जाता है। तो यहाँ पर बात करें सही उत्तर की, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए 5 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम प्रेशर इन द ब्रेक सिलेंडर व्हेन द ड्राइवर लोको पायलट ड्रॉप्स द बीपी प्रेशर बाय 1.6 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जब भी लोको पायलट द्वारा ब्रेक पाइप का जो प्रेशर 1.6 केजी से ड्रॉप किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत कितने केजी का प्रेशर यहाँ पर मैक्सिमम अमाउंट में पहुंचेगा। तो यहाँ पर अगर बात करें हम कि जब भी 1.6 केजी का प्रेशर ड्रॉप किया जाता है, यानी ये इमरजेंसी कंडीशन को इंडिकेट करता है, इस दौरान जो ब्रेक सिलेंडर के अंतर्गत प्रेशर होगा वह 3.8 केजी का पहुंचेगा। यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी 3.8 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ऑल स्क्रैप आइटम आर टू बी रिटर्न टू स्टोर्स ऑन डैश एडवाइस मेमो, यहाँ पर बोला गया कि सारे स्क्रैप आइटम्स जो कि स्टोर को रिटर्न यानी वापस लौटाया जाता है कौन से एडवाइस मेमो पर। तो यहाँ पर अगर बात करें जिस भी हमारा मेमो का प्रयोग किया जाता है स्क्रैप आइटम्स को रिटर्न करने के लिए स्टोर्स को, वह DS-8 नोट या S-1539 जो एडवाइस मेमो होता है उसका प्रयोग किया जाता है। यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं टू प्रोक्योर नॉन स्टॉक आइटम्स ऑफ वैल्यू मोर देन 15,000 डैश फॉर्म टू बी प्रिपेयर्ड। यहाँ पर बोला गया है कि अगर नॉन स्टॉक आइटम्स को प्रोक्योर किया जाता है जिसकी वैल्यू जो है मार्केट वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो, तो इसके लिए कौन से फॉर्म को तैयार किया जाना चाहिए। तो जब भी हमें नॉन स्टॉक आइटम जो 50,000 से ज़्यादा हो उसके लिए अगर परचेज करना हो तो हम S1302A फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जब इसकी वैल्यू 50,000 से ज़्यादा हो। लेकिन अगर लेस देन 15,000 इसकी अगर वैल्यू हो 50,000 से कम हो, तो उस केस में जो फर्म यूज किया जाता है नॉन स्टॉक आइटम्स को परचेज करने के लिए, तो वह S1302 का प्रयोग किया जाता है। बस यहाँ फ़र्क है कि जो 50,000 से लिमिट क्रॉस होता है तो ए एडिशन जो सफिक्स होते हैं उसको ऐड किया जाता है। बाकी अगर बात करें लेस देन 50,000 के केस में केवल और केवल S1302 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इफ़ लोको पायलट्स या ड्राइवर्स फेल्स टू लॉग किलोमीटर्स ऑन BPC ऑफ CC रेक्स एक्सपायर्स ऑन। यहाँ पर बोला गया है कि अगर लोको पायलट्स या गार्ड जब भी अगर BPC के बैक पेज पर किलोमीटर मेंशन करना होता है, तो वहाँ पर अगर किलोमीटर मेंशन नहीं करते हैं CC रेक के BPC के कंडीशंस में, तो उसकी वैधता कब समाप्त हो जाएगी। तो हम जानते हैं कि जो CC रेक यानी क्लोज सर्किट रेक, जिसमें अगर बात करें तो इसकी वैधता 30+5 डेज 7500 किलोमीटर के लिए मैक्सिमम होता है, और वहीं 35+5 डेज की अगर बात करें यहाँ पर तो यह 10,000 किलोमीटर के लिए होता है, जो कि अभी वर्तमान में रन किए जा रहे हैं मैक्सिमम BPCC रेक के केस में। तो दोनों केस में अगर बात करें, जब भी अगर क्रू द्वारा BPC पर अगर मेंशन नहीं किया जाता है किलोमीटर्स, तो इसकी वैधता केवल और केवल 20 डेज यानी 20 डेज हो जाता है डेट ऑफ इशू, यानी जब भी BPC इशू किया जाता है उससे 20 दिन तक ही इसकी वैधता रह जाती है। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा 21st डेज फ्रॉम डेट ऑफ इशू, यानी 21वां दिन इसकी BPC की वैधता समाप्त हो जाएगी अगर वह किलोमीटर लॉक करने में फेल्स रहता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं टॉर्क वैल्यू ऑफ कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट इज, यानी जो कंट्रोल आर्म ब्रैकेट बोल्ट के लिए जो टॉर्क वैल्यू प्रयोग किया जाता है वह 170 न्यूटन मीटर है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू व्हील्स फ्लैंजेज ऑन द सेम एक्सल्स। यहाँ पर चूंकि अगर आपसे पूछा जाता है व्हील गेज किसको बोला जाता है, तो व्हील गेज सेम एक्सल पर दो व्हील्स फ्लैंजों के बीच की जो डिस्टेंस होता है वह व्हील गेज कहलाता है। वहीं यहाँ पर पूछा गया है सीधे सीधे कि व्हील गेज कितना होता है, तो व्हील गेज जो होता है वह 1600+2-1 mm होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फ्लोइंग राइडिंग इंडेक्स हैज बेटर राइडिंग कम्फर्ट। यहाँ पर बोला गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा राइडिंग इंडेक्स के पास बढ़िया राइडिंग कम्फर्ट है, आरामदायक है। चूँकि हम जानते हैं कि जिस भी राइडिंग इंडेक्स का न्यूमेरिकल वैल्यू जितना कम होता है उसके राइडिंग इंडेक्स जो कम्फर्टनेस होता है वो उतना ही बढ़ता है। तो यहाँ पर हम सबसे कम वाले राइडिंग इंडेक्स वाले को खोजेंगे जिससे हमारा बेटर राइडिंग कम्फर्ट ऑब्टेन होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सबसे कम राइडिंग इंडेक्स वाले जो न्यूमेरिकल वैल्यू किसका है। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि 2.72 सबसे कम राइडिंग इंडेक्स न्यूमेरिकल वैल्यू है, तो यही हमारा सबसे ज़्यादा बेटर कम्फर्ट देगा। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, पावर सप्लाई रिक्वायर्ड फॉर डंप वाल्व ऑपरेशन इज, यानी डंप वाल्व जिसे हम एंटी स्किड वाल्व बोलते हैं, इसकी ऑपरेशन के लिए कितने पावर सप्लाई की रिक्वायरमेंट होता है। तो इसके लिए हम 110 DC वोल्ट का प्रयोग करते हैं।
का प्रयोग करते हैं डंप वाल्व की ऑपरेशन के लिए। इसके अलावा अगर बात करें तो 04 की संख्या में प्रत्येक कोच डंप वाल्व का यूज किया जाता है जो कि व्हील को स्किड होने से बचाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं, इन केस ऑफ एयर स्प्रिंग ब्रस्ट द स्पीड रेस्ट्रिक्शंस इम्पोज इज 10 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर बोला गया यदि एयर स्प्रिंग फटने के स्थिति में जो स्पीड रेस्ट्रिक्शन प्रतिबंधित किया जाता है वो कितने किलोमीटर का होता है, तो वो हो जाता है जब भी एयर स्प्रिंग बेल्लो वगैरह ब्रस्ट होते हैं तो उस कंडीशन में जो गाड़ी की स्पीड होती है मैक्सिमम लिमिट 160 किलोमीटर पर आवर तक अलाउ कर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, द एयर गैप बिटवीन स्पीड सेंसर एंड फोनिक व्हील इज इन फेवली सिस्टम, यानी फेवली सिस्टम के अंतर्गत जो गैप होता है स्पीड सेंसर और फोनिक व्हील के बीच वो कितना होता है, तो वह होता है 0.9 से लेकर 1.4 mm तक। तो यहाँ पर उत्तर बी ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर तो ब्रॉड गेज डायमेंशन यूज्ड इन इंडियन रेलवे, यानी इंडियन रेलवे के अंतर्गत जो ब्रॉड गेज के लिए जो डायमेंशन यूज किया जाता है प्रयोग किया जाता है वो कितना है, वो हो जाएगा 1676 mm, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर बात करें कहीं कहीं अभी मीटर गेज का भी प्रयोग किया जाता है इंडियन रेलवे के अंतर्गत, इसकी अगर डायमेंशन की बात करें तो इसकी डायमेंशन 1000 mm है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, व्हील बेस ऑफ ICF कोच इज, यानी ICF कोचेज की व्हील बेस कितना होता है, तो ICF कोचेज के लिए अगर बात करें तो इसकी व्हील बेस 2896 mm होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसके अलावा अगर बात करें तो LHB कंडीशन में व्हील बेस जो होगा वह 2560 mm। वहीं अगर बात करें कैसनब जो कि हमारा बैगन के अंतर्गत प्रयोग किया जाता है, वो कि उसमें जो व्हील बेस होता है वह 2000 प्लस माइनस 5 mm होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कंडमिंग व्हील डायमीटर्स फॉर ICA बोगी इज 10 mm, यानी ICA बोगी के लिए जो व्हील प्रयोग किया जाता है उसकी कंडमिंग लिमिट यहाँ पर पूछे गए हैं। तो ICA कोचेज के केस में जो व्हील डाया कंडम किया जाता है वो 825 mm पर किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं अगर बात करें न्यू के लिए, न्यू डाया जो होता है वो 915 mm के होते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, POH साइकिल यानी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग साइकिल ऑफ 140 टन क्रेन इज डैश ईयर्स। यहाँ पर अगर बात करें जो 140 टन के लिए जो क्रेन होता है उसकी पीरियोडिक ओवरहॉलिंग 8 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 8 ईयर्स के अंतराल पर किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट इज आइडियल फॉर कटिंग विच टाइप ऑफ फ्लोइंग मटेरियल। यहाँ पर बोला गया जो प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट होता है वो निम्नलिखित में से जो कौन से मटेरियल के कटिंग के लिए आदर्श यानी यूनिक होता है। तो यहाँ पर अगर बात करें प्लाज्मा कटिंग इक्विपमेंट की तो यह स्टेनलेस स्टील और नॉन फेरस मेटल जैसे कि हमारा अल्मोनियम कास्ट आयरन वगैरह जो होते हैं वो सारे को कटिंग करने के लिए सुटेबल होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वह ऑप्शन नंबर डी बोथ ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स और इक्विपमेंट इज अवेलेबल इन ERT, यानी ERT के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन से टूल्स और इक्विपमेंट अवेलेबल होते हैं, तो इसके अंतर्गत सारे इक्विपमेंट जो कि HRE, HRD, प्लाज्मा कटर वगैरह सारे अवेलेबल होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो विथ रिस्पेक्ट टू कैपिटल वर्क्स
प्लान हेड 41 इज मिंट फॉर व्हाट टाइप ऑफ वर्क। यहाँ पर बोला गया कि जो कैपिटल वर्क्स के संबंध में प्लान हेड 41 प्रयोग जो किया जाता है वो किस प्रकार के वर्क के लिए किया जाता है। तो प्लान हेड 41 की अगर बात करें यहाँ पर, तो यह मशीनरी एवं प्लांट्स के काम करने के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं इसके अलावा अगर बात करें कि वर्कशॉप इंक्लूडिंग प्रोडक्शन यूनिट्स के लिए प्लान हेड 42 का प्रयोग किया जाता है। पैसेंजर एमिनिटी के लिए प्लान हेड 53 का प्रयोग किया जाता है। वहीं अगर बात करें हम एसएनटी वर्क के लिए, तो एसएनटी वर्क के लिए प्लान हेड 33 का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, फॉर इन टू इन ट्रेन एग्जामिनेशन फॉर बीपीसी इज वैलिड फॉर। यहाँ पर बात करें जो एंड टू एंड ट्रेन एग्जामिनेशन होता है उसमें बीपीसी की वैधता जो होती है वह लोडिंग होने, फर्स्ट लोडिंग के बाद जो डेस्टिनेशन होता है वो डेस्टिनेशन तक ही वैलिड होता है। आफ्टर डेस्टिनेशन इन टू एंड बीपीसी विल बी इनवैलिड। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, नॉन ऑफ दीज। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, इन एलएचबी कोच व्हाट ब्रेक इंडिकेटर सोज वेन इंडिकेट ब्रेक इंडिकेटर सोज रेड द ब्रेक विल बी इन डैश कंडीशन। यहाँ पर बोला जा रहा है कि एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जब भी ब्रेक इंडिकेटर अगर लाल शो करता है तो ब्रेक जो होगा अप्लाई कंडीशन को इंडिकेट करेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं ब्रेक एक्सलेटर इज अ, ब्रेक एक्सलेटर एक ब्रेक इमरजेंसी ब्रेक एप्लीकेशन डिवाइस होता है जो कि ब्रेक पाइप से कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी नॉन ऑफ दीज का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, आफ्टर पीओएच यानी आफ्टर पीरियोडिक ओवरहॉलिंग द लोएस्ट परमिसिबल व्हील डायमीटर फॉर अ कोच इज, यानी पीओएच के बाद जो व्हील डायमीटर कोचेज के लिए होता है वो कम से कम कितना परमिसिबल होता है पीओएच के बाद। तो यहाँ पर पीओएच की अगर बात करें तो पीओएच के बाद 1837 mm तक मिनिमम हम अलाउ करते हैं व्हील डायमीटर्स कोचेज कंडीशंस में। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी 837 mm इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी नॉट लेस देन 837 mm। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, कैपेसिटी ऑफ एयर रिजर्वायर ऑफ द ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज के केस में ऑक्सिलरी रिजर्वायर की क्षमता कितनी लीटर के होती है, तो वह 200 लीटर का होता है। तो यहाँ पर उत्तर जो आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो एट ओरिजिनेटिंग स्टेशन द ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल और एक्सप्रेस ट्रेन शुड बी, यानी शुरुआती स्टेशनों पर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन के लिए जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है वो कितना होना चाहिए। तो वह होता है मिनिमम 100% एट ओरिजिनेटिंग पॉइंट फॉर मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, ड्यूरिंग ब्रेक रिलीज एयर फ्रॉम ब्रेक सिलेंडर इन कोचिंग ट्रेन्स गोज टू, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब भी ब्रेक रिलीज किया जाता है तो ब्रेक सिलेंडर से जो प्रेशर निकलता है वो डायरेक्ट रूप से एटमॉस्फेयर के अंतर्गत यानी वातावरण के अंतर्गत चला जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द इनरूट ब्रेक पावर परसेंटेज ऑफ मेल और एक्सप्रेस ब्रॉड गेज कोचिंग ट्रेन्स। इससे पहले जो पूछा गया था वह ओरिजिनेटिंग स्टेशन में पूछा गया था जो कि 100% ब्रेक पावर था मेल और एक्सप्रेस ट्रेन्स के लिए, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है इन रूट यानी बीच के जो स्टेशन जो होते हैं वहाँ पर, तो वहाँ के लिए इसके मिनिमम जो ब्रेक पावर परसेंटेज होता है कोचिंग ट्रेन्स के लिए मेल और एक्सप्रेस के लिए वो 90% मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें, तो डीवी इन ICF कोच इज डायरेक्टली माउंटेड ऑन,
यानी ICF कोचेज के अंतर्गत जो डीवी लगे होते हैं वो डायरेक्ट रूप से कहाँ पर माउंट होते हैं, तो वो कॉमन पाइप ब्रैकेट के जरिए CR यानी जो कंट्रोल रिजर्वायर और AR यानी ऑक्सिलरी रिजर्वायर के साथ कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर D कॉमन पाइप ब्रैकेट। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द इंटरवल ऑफ शेड्यूल्स बी एग्जामिनेशंस ऑफ एन ICF कोचेज, यानी ICF कोचेज के लिए शेड्यूल्स बी एग्जामिनेशंस का अधिकतम इंटरवल कितना होता है। तो अगर बात करें यहाँ पर ICF कोचेज के केस में बी शेड्यूल्स के एग्जामिनेशंस की, तो वह 3 मंथ प्लस माइनस 7 डेज के अंतराल पर किए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा ऑप्शन नंबर C। वहीं अगर आपसे ए शेड्यूल्स पूछ लिया जाए ICF कोचेज के केस में, तो वह 1 मंथ प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर इसका ए शेड्यूल्स किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट डू यू मीन बाय FRP, यानी FRP से आप क्या समझते हैं। तो FRP का फुल फॉर्म होता है फाइबर रेनफोर्स्ड प्लास्टिक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर, विच टाइप ऑफ रोलर बियरिंग इज यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत किस प्रकार के रोलर बियरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें हो जाएगा कार्टेज टेपर रोलर बियरिंग यानी CTRB का प्रयोग किया जाता है LHB कोचेज के अंतर्गत एज अ रोलर बियरिंग के तौर पर। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सॉफ्ट शेड्यूल 2 ऑफ LHB कोच इज डन आफ्टर एवरी डैश। यहाँ पर बोला गया कि जो LHB कोचेज का जो सॉफ्ट शेड्यूल 2 होता है वह कितने अंतराल पर कराया जाता है, तो वह कराया जाता है 3 ईयर्स या 6 लाख 12 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि सॉफ्ट शेड्यूल 2 के लिए है। वहीं अगर आपसे सॉफ्ट शेड्यूल 1 पूछ लिया जाए, तो वह 1.5 ईयर्स या 6 लाख किलोमीटर जो भी पहले हो उस अंतराल पर कराए जाएंगे। वहीं SS3 की अगर बात करें यानी सॉफ्ट शेड्यूल 3 की, तो वह 6 ईयर्स या 24 लाख किलोमीटर्स जो भी पहले हो उस बेसिस पर कराए जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ ब्रेक सिस्टम यूज्ड ऑन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज पर ब्रेक सिस्टम जो यूज किया जाता है उसका सिद्धांत कौन से सिद्धांत प्रयोग किया जाता है। तो जो प्रिंसिपल यूज किए जाते हैं LHB कोचेज में ब्रेक सिस्टम के लिए, वह ट्विन पाइप विथ डिस्क ब्रेक एयर ब्रेक सिस्टम का यूज किया जाता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर C इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, सोल बार ऑफ ICF कोच कंसिस्ट ऑफ, यानी ICF कोचेज के जो सोल बार होते हैं वो किसका बना होता है, किस तरह के शेप का, तो वह जेड सेक्शन के शेप का बना होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आ जाएगा वो ऑप्शन नंबर A इसका सही उत्तर होगा, जेड सेक्शन। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन बोगी माउंटेड एयर ब्रेक सिस्टम द नंबर ऑफ ब्रेक सिलेंडर इन अ कोच एज, यहाँ पर बोला गया जो बोगी माउंटेड ब्रेक सिस्टम होते हैं यानी BMBC कोचेज के अंतर्गत जो नंबर ऑफ सिलेंडर प्रयोग किए जाते हैं वह 0-4 पर कोचेज होते हैं और 0-2 पर बोगी। यहाँ पर आपसे एक कोच में पूछा गया, तो 0-4 नंबर्स में इसका प्रयोग किए जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर D इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द कलर कोड ऑफ हेलिकल स्प्रिंग ऑफ ICF बोगी इज, यानी ICF बोगी के हेलिकल स्प्रिंग का कलर कोड कौन सा होगा। तो ICF बोगी में जो हेलिकल स्प्रिंग प्रयोग किए जाते हैं इसके लिए मेनली 3 कलर्स टाइप में डिवाइड किए गए हैं, A ग्रुप्स, B ग्रुप्स और C ग्रुप्स। A ग्रुप्स के लिए येल्लो कलर, B ग्रुप्स के लिए ऑक्सफोर्ड ब्लू कलर का प्रयोग किया जाता है, जबकि सी के लिए ग्रीन कलर का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर उत्तर जो देखेंगे वो ऑप्शन नंबर A में है, येल्लो, ब्लू और ग्रीन।
नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, फुल फॉर्म ऑफ फुल नेम ऑफ PEAB यानी PEAB का फुल नाम क्या है, तो पैसेंजर इमरजेंसी अलार्म वाल्व इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, फूड टेस्टिंग एयर ब्रेक एयर प्रेशर इन लोकोमोटिव्स द टेस्ट प्लेट होल डायमीटर इज, यहाँ पर बोला गया कि जो लोकोमोटिव्स के एयर प्रेशर को टेस्ट करने के लिए जो टेस्ट प्लेट का यूज किया जाता है उसका होल डायमीटर कितना होता है, तो उसका होल डायमीटर होता है 7.5 mm, यानी यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द परमिसिबल वेरिएशन इन व्हील डायमीटर्स ऑन द सेम बोगी एंड ऑन द सेम कोच ऑन ब्रॉडगेज ICF डिजाइन एट द टाइम ऑफ व्हील चेंजिंग, यहाँ पर बोला गया है कि जो व्हील डायमीटर्स में परमिसिबल वेरिएशन जो होते हैं सेम बोगी पर और सेम कोचेज में ICF कोचेज के अंतर्गत जब हम व्हील चेंजिंग करते हैं तो कितना हम परमिसिबल यानी अलाउ करते हैं, तो जब भी हम व्हील चक्के को चेंज करते हैं कोचेज के केस में तो सेम बोगी और सेम कोचेज में जो हम व्हील डायमीटर्स में जो परमिसिबल डाया करते हैं वह 5 mm की डिफरेंस पर बोगी के लिए सेम बोगी के लिए और 13 mm के डिफरेंस सेम कोच के लिए करते हैं, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वह ऑप्शन नंबर सी 5 mm एंड 13 mm का सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी अर्थिंग डिवाइस आर यूज्ड इन LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज के अंतर्गत कितने अर्थिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि आप जानते हैं कि पर बोगी हमारा एक अर्थिंग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पर ऐसे यहाँ पर देख ले कि जैसे यहाँ पर ये हमारा कोचेज हो गए तो प्रत्येक एक्सल पर हमारा एक स्पीड सेंसर लगा होता है जो कि हमारा डायरेक्ट रूप से डंप वाल्व से होते हुए माइक्रो प्रोसेसर से कनेक्ट होते हैं, लेकिन अदर एंड पर हमारा किसी एक एक्सल पर हमारा अर्थिंग डिवाइस लगा होता है पर बोगी और एक एक्सल हमारा खाली ही रहता है पर बोगी पर, इस प्रकार टोटल हमारा 2 की संख्या में अर्थिंग डिवाइस प्रयोग किए जाते हैं पर कोचेज के अंतर्गत, तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, एट व्हाट प्रेशर डिफरेंस द डुप्लेक्स बाल्ब ऑपरेट्स, यहाँ पर बोला गया कितने प्रेशर के डिफरेंस पर डुप्लेक्स बाल्ब ऑपरेट होते हैं, तो जब भी दो जो एयर स्प्रिंग होते हैं एयर बिल्लो उसके बीच जब प्रेशर डिफरेंस हमारा 1.5 से लेकर प्लस माइनस 0.5 15 mm का जो kg का डिफरेंस होता है वो अगर उससे ज़्यादा अगर होता है तो उस दौरान हमारा डुप्लेक्स वाल्व ऑपरेट होने लगते हैं, और जब तक होते हैं तब तक दोनों के जो हमारा लेवल होता है वो एक समान न हो जाए, तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यहाँ पर जैसे हमारा एक बोगी पर हमारा दोनों साइड पर हमारा सेकेंडरी सस्पेंशन पर हमारा एयर बिल्लो लगा होता है, दोनों के बीच में हमारा रेगुलेट करने के लिए हमारा एक की संख्या में डुप्लेक्स बाल्ब का प्रयोग किया जाता है जो कि दोनों एयर बिल्लो में जब हमारा 1.5 से प्रेशर डिफरेंस हमारा क्रिएट होने लगता है तो यह डुप्लेक्स बाल्ब हमारा ऑपरेट होने लगते हैं। तो यहाँ पर आप अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम के अंतर्गत कि जो एक्टिवेट होता है वो 1.5 केजी के प्रेशर पर ऑपरेट हो जाता है, और जो अगर बात करें डुप्लेक्स बाल्ब की नंबर्स की तो यह 0.1 पर बोगी यूज किया जाता है और 0.2 पर कोचेज की केस में यह यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब्स लिफ्टेड ऑन वन बोगी, यानी यहाँ पर बोला गया है कि जो नंबर ऑफ लेबलिंग बाल्ब्स है वह वन बोगी पर फिटेड होता है कितने की संख्या में, तो वन बोगी पर चूंकि हम जानते हैं कि दो एयर बिल्लो लगे होते हैं दो एयर स्प्रिंग, अब प्रत्येक एयर स्प्रिंग को हाइट को मेंटेन करने के लिए हमारा एक की संख्या में लेबलिंग बाल्ब लगा होता है, तो यहाँ पर हमारा 2 की संख्या में लेबलिंग बाल्ब हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि दोनों लेबलिंग बाल्ब जो हमारा साइड फ्रेम होते हैं
बोगी के उसके जो हमारा उससे हमारा इंस्टॉलेशन लीवर के सहारे हमारा कनेक्ट होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं इंस्टॉलेशन लीवर पर ही पूछा गया है, इंस्टॉलेशन लीवर कनेक्ट द, इंस्टॉलेशन लीवर जो होता है वह लेवलिंग बल्ब और टॉप बोगी फ्रेम जो होता है इस तरह से, तो यहाँ पर हमारा कनेक्ट होता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ जैसे यहाँ पर हमारा यह स्प्रिंग का विल्लो हो गया, यहाँ पर हमारा लेवलिंग बाल होता है जो कि हॉरिजेंटल कंडीशन में होना चाहिए, और यहाँ पर हमारा ये लगा होता है जो हैंडल जिसे हम इंस्टॉलेशन लीवर बोलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हाट इज द रिकमेंडेड पीएच वैल्यू ऑफ द बायो टॉयलेट एफ्लुएंट्स, यानी जो बायो टॉयलेट एफ्लुएंट्स के लिए रिकमेंडेड पीएच वैल्यू है वो कितना है, तो वह हो जाएगा 6 to 9 तक होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर ऑफ एक्सल बॉक्स ऑफ आईसीएफ कोचेज बियॉन्ड द बीच कोच मस्ट बी डिटैच्ड फ्रॉम सर्विस। यहाँ पर बोला गया है जो ICF कोचेज के एक्सल बॉक्स पर जो मैक्सिमम परमिसिबल टेम्परेचर होते हैं वो कितना होगा ना चाहिए, जिस कंडीशंस में हम कोचेज को सर्विस से डिटैच कर देंगे, यानी कोचेज को हम रेक से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी, वो कौन सा मैक्सिमम टेम्परेचर होगा। तो यहाँ पर बात करें कि कोचेज के लिए पूछा गया, तो कोचेज के लिए हमारा अगर एक्सल बॉक्स का टेम्परेचर 80 डिग्री से अभव होता है तो उस कंडीशन में हम उस कोच को रेक से डिटैच कर देंगे। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, 80 डिग्री सेल्सियस। वहीं अगर बात करें तो यह बैगन के केस में यानी मालगाड़ियों के केस में 90 डिग्री सेल्सियस तक आप अलाउ कर सकते हैं। अगर इससे ऊपर तक जाता है 90 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो मालगाड़ी को भी रेक से डिटैच करने की रिक्वायरमेंट होता है, जिस बैगर्स में यह टेम्परेचर 90 डिग्री से अबव होता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर पूछे गए हैं, इफ द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन टू एक्सल बॉक्सेस ऑफ आईसीएफ कोचेज इज मोर देन 15 डिग्री सेल्सियस व्हाट एक्शन इज टू बी टेकन। यहाँ पर बोला गया कि जो एक्सल बॉक्सेस होते हैं आईसीएफ कोचेज के उसके टेम्परेचर अगर डिफरेंस 15 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा हो जाए तो उस कंडीशन में आप क्या एक्शन लेंगे। तो उस कंडीशन में अगर 15 डिग्री से ज़्यादा अगर सेम बोगी के अंदर जो हमारा कंसेक्यूटिव जो एक्सल्स होते हैं उसके टेम्परेचर अगर 15 डिग्री से ज़्यादा अगर अबव होता है तो उस कंडीशन में CNW स्टाफ ये कंपनी करेगा अप टू डेस्टिनेशन तक। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट प्रश्न है प्राइमरी मेंटेनेंस इज अ टाइप ऑफ, यानी प्राइमरी मेंटेनेंस एक प्रकार का क्या है, तो एक प्रकार का प्रिवेंटिव मेंटेनेंस है। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, व्हाट इज द मैक्सिमम परमिसेबल डिफरेंस इन बफर हाइट बिटवीन टू CBC, यानी दो CBC के बीच जो मैक्सिमम परमिसिबल डिफरेंस बफर हाइट की होती है वो कितना होगा, तो वो 75 mm का होता है मैक्सिमम। तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें तो नेक्स्ट प्रश्न पूछे गए हैं अप्रोक्सीमेट राइडिंग इंडेक्स ऑफ LHB कोचेज, यानी LHB कोचेज का लगभग राइडिंग इंडेक्स कितना होता है, तो वह 2.5 होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HABD, यानी HABD का फुल फॉर्म क्या होगा, तो हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर इसका सही फुल फॉर्म होगा। यानी जो ऐसा डिवाइस है जो अगर एक लिमिट की ज़्यादा अगर वो गर्म होता है तो उसको डिटेक्ट करने के लिए ताकि बैगन या कोचेज का डेलमेंट ना हो सके, यह इस तौर पर इस डिवाइस को लगाया गया है। यह काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर को डिटेक्ट करता है। यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी हॉट एक्सल बॉक्स डिटेक्टर इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 75 लीटर्स एयर टैंक इज यूज्ड फॉर, यानी जो एयर टैंक 75 लीटर का यूज किया जाता है वो किस पर्पस के लिए किया जाता है, तो वह टॉयलेट पर्पस के लिए किया जाता है। यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो ब्रेक एक्सलेटर स्टॉप बेंटिंग वेन बीपी प्रेशर रीच, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो ब्रेक एक्सलेटर का जो वेंटिंग होता है बीपी प्रेशर का, वो कब स्टॉप हो जाएगा, जब प्रेशर वह एक लिमिट तक पहुंच जाने पर। तो वह टेम्परेचर जो वह प्रेशर होता है वह 2.5 से लेकर अगर 1.5 तक आ जाता है तो जो ब्रेक एक्सलेटर का जो वेंटिंग होता है वह होना बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डे टू मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन, यानी जो डे टू मेंटेनेंस शेड्यूल्स किया जाता है एलएचबी कोचेज का, वो कितने अंतराल पर किया जाता है, तो वह किया जाता है 30 डेज प्लस माइनस 3 डेज के अंतराल पर किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर आएगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, डे थ्री मेंटेनेंस शेड्यूल्स ऑफ एलएचबी कोच इज डन इन, यानी डी थ्री यानी डिपो थ्री शेड्यूल्स एलएचबी कोचेज का कब किया जाता है, तो वह 180 डेज प्लस माइनस 15 डेज के अंतराल पर कराए जाते हैं। यहाँ पर सही ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, टू प्रोटेक्ट वर्टिकल स्लाइडिंग बिटवीन इंजन एंड पावर कार द डिवाइस इज नॉन एज, यानी यहाँ पर बोला जा रहा है इंजन और पावर कार के बीच वर्टिकल स्लाइडिंग को रोकने के लिए जो डिवाइस प्रयोग किया जाता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको हम रिस्ट्रिक्टर बोलते हैं। यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, थरो फ्लोर ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोचेज के जो थरो फ्लोर होते हैं वह बना होता है ऑस्टेनेटिक स्टील का बना होता है, यानी SS304 का। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, क्रॉस मेंबर्स ऑफ अंडर फ्रेम ऑफ एलएचबी कोच आर मैन्युफैक्चर्ड फ्रॉम, यानी जो एलएचबी कोचेज का जो अंडर फ्रेम के जो क्रॉस मेंबर्स होते हैं वो किसका बना होता है, तो वो बना होता है IRSM 41 का बना होता है। यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, 125 लीटर्स एयर टैंक्स यूज्ड फॉर, यानी 125 लीटर वाले एयर टैंक्स का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वह ब्रेकिंग पर्पस के लिए किया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द नेम ऑफ केबल प्रोवाइड ऑन फॉर हैंड ब्रेक इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज में जो हैंड ब्रेक प्रोवाइड होते हैं केबल, उस केबल को क्या बोलते हैं, तो जो हैंड ब्रेक केबल के लिए हैंड ब्रेक के लिए जो केबल प्रोवाइड होता है एलएचबी कोचेज के अंतर्गत, उसे हम फ्लेक्स बॉल केबल बोलते हैं, जो कि दो की संख्या में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, और दो फ्लेक्स बॉल का प्रयोग किया जाता है ब्रेकिंग के लिए जो हमारा एलएचबी पावर कार होता है उसके अंतर्गत। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इलेक्ट्रिसिटी रिक्वायर्ड फॉर डंप बॉल ऑपरेटिव, यानी डंप बॉल को ऑपरेटिव के लिए कितने इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होता है, तो वह होता है 110 वोल्ट डीसी का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ स्पीड सेंसर, यानी स्पीड सेंसर का क्या उद्देश्य है, तो स्पीड सेंसर का प्रयोग किया जाता है प्रत्येक एक्सल पर जो रिवोल्यूशंस होते हैं उसको कंप्यूट करने गणना करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, और वह रिवोल्यूशंस को काउंट करके वह जो स्पीड हमारा जो माइक्रो प्रोसेसर है उसको भेजता है, जिससे हमारा माइक्रो प्रोसेसर सारे एक्सल्स पर लगे हमारा जो डंप वाल होता है उसको रेगुलेट करता है, जिससे हमारा
जो स्लाइडिंग होने की चांस होती है व्हील्स की, वो काफी हद तक कम किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द लिमिट ऑफ एयर गैप बिटवीन सेंसर एंड फोनिक व्हील, यानी फोनिक व्हील और स्पीड सेंसर के बीच जो गैप होते हैं एयर गैप, वो कितने एमएम के होते हैं? तो वह होता है 0.9 से लेकर 1.4 mm तक। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो थिकनेस ऑफ न्यू ब्रेक पैड, यानी जो LHB कोचेज के अंतर्गत जो ब्रेक पैड प्रयोग किए जाते हैं ब्रेक ब्लॉक के पैलेस के स्थान पर, तो वहाँ पर इसकी न्यू का डायमेंशन की बात करें तो यह 35 mm के होते हैं। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि न्यू ब्रेक पैड के डायमेंशन के तौर पर प्रयोग किए जाते हैं। वहीं अगर आपसे कंडेम्ड ब्रेक पैड डायमेंशन पूछा जाए तो यह 7 mm तक आने पर इसको सर्विस से कंडम कर देते हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर, पार्किंग ब्रेक प्रेशर टैंक इज चार्ज थ्रू, यानी जो पार्किंग जो लगे होते हैं पार्किंग ब्रेक के अंतर्गत टैंक लगे होते हैं प्रेशर टैंक, उसको FP पाइप के जरिए चार्ज किया जाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, आफ्टर फुल ब्रेक एप्लीकेशन द ब्रेक शुड रिलीज विद इन, और जब भी फुल ब्रेक एप्लीकेशन किया जाता है तो वहाँ उस दौरान जो ब्रेक रिलीज होने में टाइम लगता है वह लगता है 15 से 20 सेकेंड। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन ट्रॉली व्हाट विल डू यू फर्स्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक ट्रॉली पर ब्रेक बाइंडिंग होने की स्थिति में सबसे पहले आप क्या करेंगे? तो सबसे पहले करेंगे कि जो हमारा आइसोलेटेड ट्रॉली है उसको हम अफेक्टेड ट्रॉली को आइसोलेट कर देंगे। तो यहाँ पर हमारा उत्तर जो होगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर हम, इन केस ऑफ ब्रेक बाइंडिंग ऑन वन व्हील सेट व्हाट विल यू डू फर्स्ट, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक व्हील सेट पर अगर ब्रेक बाइंडिंग होता है तो उस कंडीशन में आप सबसे पहले क्या करेंगे? तो अगर एक पर हमारा एक व्हील सेट पर हमारा ब्रेक बाइंडिंग होता है तो उस कंडीशंस में हम चेक करेंगे कि बोथ ब्रेक कैलिपर्स आर जाम्ड है कि नहीं है। सेकेंड हम चेक करेंगे कि डंप वाल्व हमारा अफेक्टेड व्हील पर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। थर्ड हम चेक करेंगे जो हमारा दोनों सिलेंडर लगे होते हैं एक एक्सल पर वो अच्छे तरीके से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये तीनों हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर एनी ऑफ एबव इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो इन केस ऑफ ब्रेक कैलिपर जाम व्हाट एक्शन शुड बी टेकन टू रिलीज द ब्रेक, यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर ब्रेक कैलिपर जाम की स्थिति में क्या एक्शन लिया जाना चाहिए ताकि ब्रेक रिलीज किया जा सके। तो यहाँ पर ब्रेक रिलीज करने के लिए अगर, तो उस कंडीशन में जब हमारा ब्रेक कैलिपर जाम हो तो ब्रेक कैलिपर के जाम की स्थिति में हम सबसे पहले जो ब्रेक कैलिपर का पिवट पिन होता है उसको हम निकालेंगे। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी, रिमूव ब्रेक सिलेंडर रिमूव ब्रेक कैलिपर पिवट पिन, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट ऑफ क्रैक इन डेप्थ ऑफ फॉर प्राइमरी रबर पैड, यानी जो प्राइमरी रबर पैड के लिए जो मैक्सिमम परमिसिबल लिमिट्स होता है क्रैक्स की डेप्थ के कंडीशंस में वो कितना होता है? तो वो होता है 18 mm तक मैक्सिमम। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो पूछे गए हैं, कंडीशन ऑफ ग्रीस ऑफ एंटी रोल बार शुड बी चेक्ड ड्यूरिंग एवरी, यानी प्रत्येक जो हमारा कंडीशन ग्रीस का चेक किया जाता है एंटी रोल बार के अंतर्गत वो कब कब चेक किया जाना चाहिए, तो वो उसकी अगर बात करें तो उसको हम D1, D2 और D3 तीनों सिलेबस में चेक करते हैं। तो यहाँ पर ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पर,
द एनआरबी इज प्रोवाइडेड इन, एनआरबी का फुल फॉर्म होता है नॉन रिटर्न वाल्व, जो कि एफपी पाइप में हमारा कनेक्ट होता है ईआर से पहले, जिसका काम होता है हमारा कि एफपी पाइप से आए हुए प्रेशर को हमारा, जैसे कि यहाँ पर हम देख लें कि ये हमारा एयर टैंक है और यहाँ पर डट कलेक्टर से होते हुए आइसोलेटिंग कॉक से होते हुए हमारा एफपी पाइप से हमारा प्रेशर आता है, यहाँ पर हमारा एनआरबी लगा है। तो एनआरबी का काम होता है कि जो हमारा प्रेशर है वह जाने तो देता है ईआर टैंक के अंतर्गत, लेकिन वापस इसको आने नहीं देता है एफपी पाइप के अंतर्गत। तो यह यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वह एफपी लाइन एफपी पाइप के अंतर्गत या लगा होता है, प्रोवाइड किए होते हैं। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ प्रोवाइड योर डैम्पर्स इन एलएचबी कोचेज, यानी एलएचबी कोचेज के अंतर्गत जो योर डैम्पर लगा होता है उसका उद्देश्य क्या होता है। तो उसका उद्देश्य होता है कि जो रोलिंग मोशन है उसको मिनिमाइज किया जा सके। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। वहीं एयर डैम्पर की अगर बात करें तो यह लगा होता है बोगी और बॉडी के बीच को कनेक्ट करता है और यह 02 पर बोगी और 04 पर कोच की संख्या में यह लगा होता है, जिसका काम होता है कि रोलिंग मोशन को मिनिमाइज किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ मेनी इमरजेंसी ओपनेबल विंडो आर प्रोवाइडेड इन वन एलएचबी कोचेज, यानी एक एलएचबी कोचेज के अंतर्गत कितने इमरजेंसी ओपनेबल खोलने वाले विंडो प्रोवाइड किए होते हैं। तो उसकी टोटल संख्या 4 की संख्या में होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, व्हाट इज द फॉलोइंग इज नॉट इन द परव्यू ऑफ सीएनडब्ल्यू स्टाफ, यानी सीएनडब्ल्यू स्टाफ के परव्यू में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं आएंगे। यहाँ पर नॉट मेंशन किया गया है जिसको आप ध्यान रखें। तो यहाँ पर सीएनडब्ल्यू स्टाफ के रेंज में जो आएगा वो आएगा कि ड्यूरिंग एग्जामिनेशन के दौरान फॉर्मेशन को सिक्योर किया जाए, साथ ही साथ प्राइमरी एग्जामिनेशन ऑफ रेक किया जाता है और जो हमारा फायर प्रोटेक्शन होता है रेक की वो भी किया जाता है, लेकिन जो मोमेंट ऑफ ट्रेन होता है वो ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट के अंतर्गत आता है। यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो व्हाट इज द रोल ऑफ सीएनडब्ल्यू सुपरवाइजर एट ड्रिलमेंट साइट, यानी जो सीएनडब्ल्यू सुपरवाइजर के जो भूमिका होता है ड्रिलमेंट साइट पर वो क्या होता है। तो उसका काम होता है जब भी ड्रिलमेंट साइट पर जाते हैं तो वह सिक्योर करे साइट की और आइडेंटिफाई करे प्रोबेबल कॉज ऑफ ड्रिलमेंट्स की, ज्वाइंट मेजरमेंट करे ट्रैक पैरामीटर्स की और रिएस्टोरेशन किया जाता है रोलिंग स्टॉक के, सारे जो हमारा कॉज है उसमें भूमिका निभाता है। तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, बीच ऑफ द फ्लोइंग लैंग्वेज इज नॉट लिस्टेड इन 8 शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी आठवीं भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन से भाषाओं को शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर बात करें हम तो मैथिली को शामिल किया गया है, संथाली को, बोडो को, तीन लैंग्वेज को इंक्लूड किए गए हैं, जबकि भोजपुरी लैंग्वेज को अभी तक 22 भाषाओं की लिस्ट में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रीजन ए एज पर द ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यानी जो राजभाषा नियम के आधार पर जो रीजन ए के लिए सही स्टेटमेंट होगा वह कौन सा है। तो पहला स्टेटमेंट दिया गया है कि 7 स्टेट्स आर इंक्लूडेड, जो कि गलत है क्योंकि रीजन ए के अंतर्गत टोटल 9 स्टेट्स और 2 यूनियन टेरेटरी यानी संघ शासित प्रदेश जो होता है वो इंक्लूड किए गए हैं। जैसे कि हमारा अगर स्टेट की बात करें 9 स्टेट्स की, तो बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तराखंड, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश, यह टोटल 9 स्टेट्स को इंक्लूड किए गए हैं रीजन ए के अंतर्गत। साथ साथ जो यूनियन टेरेटरी है
जैसे कि दिल्ली और अंडमान निकोबार दोनों को रीजन ए के अंतर्गत ही इंक्लूड किया गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी देखेंगे जैसे 4 स्टेट, ये भी गलत हो जाएगा, 13 स्टेट ये भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर हमसे ट्रू स्टेटमेंट पूछा जा रहा है, तो ट्रू स्टेटमेंट हमारा ऑप्शन नंबर सी में है कि अंडमान निकोबार को इंक्लूड किए गए हैं रीजन ए के अंतर्गत। तो यहाँ पर जो ऑप्शन निकल कर आएगा वो ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर रीजन बी, यहाँ पर रीजन बी के लिए पूछा गया है। इससे पहले वाले प्रश्न में रीजन ए से रिलेटेड पूछा गया था, तो यहाँ पर बोला गया कि जो राजभाषा नियम है उसमें रीजन बी के आधार पर कौन सा स्टेटमेंट निम्नलिखित में से सही होगा। तो रीजन बी की अगर बात करें यहाँ पर, तो रीजन बी में 3 स्टेट्स को इंक्लूड किए गए हैं जिसमें से गुजरात एक है, तो यहाँ पर यह सही उत्तर हो जाएगा क्योंकि रीजन बी के अंतर्गत हमारा महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब 3 स्टेट्स को इंक्लूड किए गए हैं। साथ ही साथ जो यूनियन टेरेटरी है चंडीगढ़, दमन दीव और दादर नगर हवेली, ये तीनों को इंक्लूड किए गए हैं। इस प्रकार टोटल 3 स्टेट्स और 3 यूनियन टेरेटरी को रीजन बी के अंतर्गत इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर रीजन सी एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स, यहाँ पर ऑफिशियल राजभाषा नियम के अनुसार जो रीजन सी के अंतर्गत कौन से स्टेट्स को इंक्लूड किए गए हैं और या यूनियन टेरिटरीज को। तो यहाँ पर अगर बात करें हम, तो रीजन सी के अंतर्गत गोवा भी है और मेघालय भी है, तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा वह ऑप्शन नंबर बी ए एंड सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जबकि दमन और दीव जो है वह रीजन बी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हाउ अ प्रोफिशिएंसी इन हिंदी डिटरमाइंड, यानी जो हिंदी में जो प्रोफिशिएंसी होता है वो किस किस प्रकार डिटरमाइंड किया जाता है। तो यहाँ पर बोला जाए अगर, तो पहला ऑप्शन दिया गया है डिटरमाइंड करने के लिए कि मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट और हायर एग्जाम विथ हिंदी दिया हो कैंडिडेट, तो उसको प्रोफिशिएंसी माना जाएगा हिंदी में। सेकेंड यहाँ पर है कि सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ प्रोफिशिएंसी विथ स्पेसिफाइड फॉर्मेट अगर होता तो यह सही होता, लेकिन यहाँ पर नहीं दिया गया तो यह गलत हो जाएगा। हिंदी एज अ इलेक्टिव इन डिग्री, डिग्री में अगर एक इलेक्टिव डिग्री के तौर पर अगर लिया हो हिंदी को तो उसको भी प्रोफिशिएंसी हिंदी में माना जाएगा। तो यहाँ पर जो उत्तर निकल कर आएगा ऑप्शन ए और डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, बीच इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ अरुणाचल प्रदेश, यानी अरुणाचल प्रदेश के लिए जो राजभाषा है वो क्या है। तो अरुणाचल प्रदेश की राजभाषा इंग्लिश है, तो यहाँ पर जो उत्तर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करें यहाँ पर, तो त्रिपुरा कम्स अंडर रीजन डैश एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स वाइल चंडीगढ़ इज अंडर रीजन डैश, यहाँ पर बोला गया है कि जो त्रिपुरा है कौन से रीजन के अंतर्गत आता है और चंडीगढ़ कौन से रीजन के अंतर्गत आता है। तो त्रिपुरा जो है वो रीजन सी के अंतर्गत और चंडीगढ़ रीजन बी के अंतर्गत आता है। इस प्रकार का जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, यानी त्रिपुरा रीजन सी के अंतर्गत और चंडीगढ़ रीजन बी के अंतर्गत एज ए यूनियन टेरेटरी इंक्लूड किए गए हैं। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज द चेयरमैन ऑफ द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन, यानी प्रथम राजभाषा आयोग के कौन बनाए गए थे, कौन थे अध्यक्ष, कौन थे प्रथम राजभाषा आयोग के। चार ऑप्शन जो नीचे दिए गए उसमें से, तो यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा बीजी खेर, यानी बाला साहब गंगाधर खेर, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, जो कि फर्स्ट राजभाषा आयोग के अध्यक्ष थे। वहीं बात करें प्रथम राजभाषा आयोग का गठन कब किया गया था, तो यह 7 जून 1955 को प्रथम राजभाषा आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, द सेंट्रल हिंदी कमेटी कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री, यानी सेंट्रल केंद्रीय हिंदी समिति या कमेटी
किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? तो वो आता है मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत, यानी गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न यहाँ पर है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी, यानी बोला गया यहाँ पर जो चार ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से ट्रू स्टेटमेंट ढूंढना है रिगार्डिंग ऑफिशियल लैंग्वेज यानी राजभाषा आयोग जो पॉलिसी है उसके रिगार्डिंग में। तो यहाँ पर बात बोला जाए, ऑप्शन देखा जाए, तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले हम, पहला ऑप्शन रिप्लाइज टू कम्युनिकेशंस इन हिंदी सेल बी हिंदी, यहाँ पर बोला कि अगर कोई कम्युनिकेशन हिंदी में करता है तो उसका रिप्लाई भी हिंदी में किया जाए, ये स्टेटमेंट सही दिया गया है एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर। सेकेंड है कि ऑफिशियल लैंग्वेज इम्प्लीमेंटेशन कमेटी इज फुल फॉर्म ऑफ OLIC, ये भी सही स्टेटमेंट दिया गया है। और चौथी यानी डी ऑप्शन की अगर बात करें यहाँ पर, एम्प्लॉयज कैन नॉट अपील और रिप्रेजेंट इन इंग्लिश, ये नहीं बोला गया। अगर कर्मचारी अगर चाहता हो कि इंग्लिश में अपील करना चाहता हो तो अपील कर सकता है, यहाँ पर कैन नॉट नहीं करने की कोई संभावना नहीं है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है। तो इस प्रकार जो उत्तर निकल कर आएगा वो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट हो जाएगा स्टेटमेंट एज पर ऑफिशियल लैंग्वेज पॉलिसी के आधार पर। तो यहाँ पर जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताना ना भूले, साथ ही साथ वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। इसके अलावा आपके पास कोई ऐसा पेपर है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपना पेपर सेंड करना ना भूले। धन्यवाद।